लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए पावर प्लांट गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को। आज हम लोग जानेंगे एक तो वैक्यूम ब्रेकर का प्रोपोज और उसका ऑपरेशन के बारे में। उसका साथ साथ जानेंगे सीलिंग स्टीम को क्यों स्टॉप किया जाता है वैक्यूम ब्रेक होने के बाद में, क्यों वैक्यूम ब्रेक होने से पहले क्यों नहीं। तो ये सारे चीज़ डिटेल में जानने के लिए अब वीडियो को स्किप ना करके एंड तक देखते रहिए। तो चलिए पहले जान लेते हैं एक तो वैक्यूम ब्रेकर का प्रोपोज क्या है। एग्जॉस्टेड एरिया कंडेंसर का वैक्यूम स्पेस में जो वैक्यूम है उसको क्विकली किल करने के लिए वैक्यूम ब्रेकर ऑपरेट होके जो एयर है उसको एडमिट करता है। इसीलिए एक तो वैक्यूम ब्रेकर को दो तो चीज़ के लिए यूज किया जाता है। पहला चीज़ है जो कंडेंसर में वैक्यूम है इसको क्विकली वो रिड्यूस करेगा, और दूसरा जो है वो है टर्बाइन का जो स्पीड है उसको क्विकली रिड्यूस करने के लिए। अभी हम लोग जानेंगे एक ठो वैक्यूम ब्रेकर का ऑपरेशन के बारे में। वैक्यूम ब्रेकर ऑपरेट होता है एक ठो कंट्रोलर के द्वारा। ये कंट्रोलर रेस्पॉन्स करेगा जब टर्बाइन लॉस ऑफ लोड यानी कि ट्रिप करेगा। जनरली एक ठो वैक्यूम ब्रेकर का वाल्व ओपन यानी कि ऑपरेट होगा जब टर्बाइन का स्पीड 2000 RPM से नीचे होगा। एक तो हाइड्रोलिक मैकेनिज्म द्वारा ऑपरेटेड वैक्यूम ब्रेकर वाल्व ओपन होगा जब टर्बाइन का स्पीड 70% होगा उसका रेटेड स्पीड का। यदि हम लोग वैक्यूम ब्रेकर को ऑपरेट करेंगे हायर स्पीड में तो परिणाम स्वरूप क्या होगा न टर्बाइन के अंदर में थर्मल स्ट्रेस इंक्रीज होगा, क्योंकि जो कोल्ड डेंस एयर है वो एंटर करेगा टर्बाइन के अंदर में, उसके वजह से इंटरनल में थर्मल स्ट्रेस इंक्रीज होगा। एक तो जनरेटर लॉस ऑफ लोड होने के वजह से स्टीम टर्बाइन लॉस ऑफ लोड होता है, जिसके वजह से एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है। तो एक्सेलरेशन को डिक्रीज करने के लिए स्टीम टर्बाइन का जो वैक्यूम ब्रेकर है वो ओपन होकर एयर को एडमिट करता है और वैक्यूम को किल करता है कि जल्दी से टर्बाइन जो है वो कोस्टिक डाउन हो पाए। एक तो वैक्यूम ब्रेकर का साइज सिलेक्शन करने के लिए कितना तो क्राइटेरिया को नेसेसरी है कंसिडर करने के लिए, तो चलिए जान लेते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है। एलपी टर्बाइन का केसिंग और सरफेस कंडेंसर का बीच में जो स्टीम स्पेस है उसका वॉल्यूम और जो टाइम रिक्वायरमेंट होगा रिड्यूस करने के लिए वैक्यूम, एक क्राइटेरिया को कंसिडर किया जाता है एक तो वैक्यूम ब्रेकर का साइज सिलेक्शन करने के लिए। तो चलिए देखते हैं जो वैक्यूम ब्रेकर का वाल्व है वो कितने प्रकार का है। जनरली ग्लोब और बटरफ्लाई टाइप वाल्व को यूज किया जाता है। वैक्यूम ब्रेकर वाल्व को सीलिंग करना अत्यंत जरूरी है, इसीलिए अलग सा एक ठो वाल्व जिसमें कि वाटर सील रहेगा उसको लगाया जाएगा वैक्यूम स्पेस में, जो कि प्रिवेंट करेगा एयर इनग्रेस को। तो चलिए अभी जानते हैं वैक्यूम ब्रेकर का इंस्टॉलेशन के बारे में। जनरली एक तो वैक्यूम ब्रेकर को इंस्टॉलेशन किया जाता है स्टीम टर्बाइन और कंडेंसर सेल का ऊपर में। वैक्यूम ब्रेकर वाल्व का इंटेक पाइप में एक तो मैश स्क्रीन लगाना जरूरी है, जो कि प्रिवेंट करेगा जो धूल मिट्टी को कंडेंसर का सेल का अंदर को ना जाने के लिए। यदि आप एक तो मोटर ऑपरेटेड वैक्यूम ब्रेकर वाल्व को सिलेक्ट करते हैं तो वो जो वाल्व ओपनिंग टाइम है उसको कंसिडर करना अत्यंत जरूरी है। अभी हम लोग जानेंगे एक तो सीलिंग स्टीम सिस्टम को क्यों स्टॉप करेंगे कंडेंसर में वैक्यूम ब्रेक होने के बाद में। कि यदि सीलिंग स्टीम सिस्टम को हम वैक्यूम ड्रॉप होने से पहले स्टॉप कर देंगे तो जो कोल्ड एटमोस्फेरिक एयर है वो टर्बाइन और जो ग्लैंड सीलिंग एरिया है उसका अंदर को एंटर करेगा, क्योंकि सीलिंग ना रहने वजह से और टर्बाइन का अंदर में वैक्यूम रहने के वजह से, जिसके वजह से जो कोल्ड एटमोस्फेरिक एयर है वो ऑन इवन कूलिंग करेगा बोथ टर्बाइन ब्लेड और ग्लैंड को। कभी कभी जो स्टीम जेट एयर इजेक्टर है उसका वेंट को भी यूज किया जाता है वैक्यूम को ब्रेक करने के लिए। इसके लिए वेंट को फुली ओपन कर दिया जाता है, लेकिन इजेक्टर का वेंट को ओपन करके आप क्विकली जो वैक्यूम है उसको डाउन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका जो साइज है वो बहुत स्मॉल रहता है एज कम्पेयर टू कंडेंसर का जो वैक्यूम का जो वॉल्यूम है उसके हिसाब से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो में जरूर आपको कुछ नया चीज़ सीखने के लिए मिला होगा। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह टेक्निकल वीडियो पाने के लिए। तो रहता हूँ दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।